सेरेब्रल पॉल्सी दुर्धर आजाराविषयी लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर क्रिसी अल्मेडा यांच्या पुढाकारातून गेल्या 7 वर्षापासून सातत्याने शिबिरं भरवली जात आहेत. नुकतंच पुणे शहरातील कल्याणी नगर भागातील गोल्डन केअर क्लिनिक इथं या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नागरिकांनी देखील या शिबिराला भरभरून प्रतिसाद दिला. फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर क्रिसी अल्मेडा यांच्या पुढाकारातून गेल्या 7 वर्षापासून सातत्याने सेरेब्रल पल्सीवरील एकात्मिक उपचार पद्धती शिबिरं आयोजित करण्यात आली आहेत. डॉक्टर अतुल भास्कर हे जागतिक स्तरावरील ख्यातकीर्ती असे लहान मुलांचे ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत. ते सेरेब्रल पाल्सी आणि फिजिओ या विषयातील तज्ज्ञ आहेत. डॉक्टर क्रिसी अल्मेडा हे दर 3 महिन्यांनी अशा पद्धतीचे शिबिर आयोजित करीत असतात. सेरेब्रल पाल्सी या आजाराने ग्रस्त रुग्णांचे उपचार आणि त्यांची देखभाल खूप गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक असते. सेरेब्रल पाल्सीने ग्रस्त रुग्णांवर उपचार सुरू असताना त्यांना नियमितपणे डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागतो. तसेच उपचार सुरू असताना विविध वैद्यकीय शाखांच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्लाही महत्त्वाचा ठरतो. ओके, आय एम डॉक्टर क्रिसी अल्मेडा. आय एम अ फिजिओथेरपिस्ट. माय स्पेशलायझेशन इज ऑर्थोपेडिक्स अँड स्पोर्ट्स इंजरीज, बट माय पॅशन इज पीडियाट्रिक्स अँड दॅट इज वाय आय एम इन दिस फील्ड. आय हॅव बीन प्रॅक्टिसिंग फॉर 10 इयर्स प्लस नाव. दिस इज माय सेवन्थ इयर सिन्स आय एम डुईंग दिस कॅम्प. I have been doing repeating this camp every 3 months. Roughly we do it about 3 times in a year. So my aim of this camp is integrated approach for cerebral palsy. Cerebral palsy is a disease of the brain. When the child is born, jab wo paida hota hai bachcha, uske brain mein injury hone ke wajah se aage jaake uske movements mein problem hote hain. Chalne mein, haath pair hilane mein, खाना खाने तक, अपना बेदिंग, नहाना, खाना पीना, ड्रेसिंग सब में तकलीफ़ होती है. तो हम उनको हमारे जैसे बिल्कुल 100% नॉर्मल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट करना हमारा एम है इनको. क्योंकि वरना ये लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. कभी ना कभी पेरेंट्स तो चले जाएंगे, बट बच्चे ने अपना लाइफ जीना है. तो इनको बेसिक एजुकेशन, बेसिक उनका ड्रेसिंग टॉयलेटिंग उतना वो करें, ये मेरा एम है. तो इस कैंप में हम इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब इस एक बच्चे को बहुत सारे डॉक्टर्स लगते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, एपिलेप्टोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऐसे बहुत अलग अलग फैकल्टीज के डॉक्टर्स लगते हैं. तो हर पेरेंट को बच्चे को लेके हर अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा सेंटर खोले कि बच्चा एक बार पेरेंट के साथ आ जाए और सारे डॉक्टर्स को एक ही रूफ के अंदर एक साथ देख ले. चाहे 3 घंटा स्पेंड करे, 4 घंटा स्पेंड करे, लेकिन एक ही साथ हो जाए उनका, ताकि उनको बार बार अलग अलग डॉक्टर्स के बाद अलग अलग ओपिनियंस ना लेना पड़े. इसलिए मैंने ये कैंप शुरू किया है. बेसिकली अवेयरनेस, पेरेंट काउंसलिंग होना चाहिए. तो हमारे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं. हमारे पास बहुत गरीब बच्चे भी हैं, तो हम इनके लिए स्पॉन्सर्स लाते हैं, कलेक्ट करते हैं स्पॉन्सर्स. 3-4 महीने पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि इन बच्चे का सर्जरी होना है तो इतना खर्चा आएगा. हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है. व्हीलचेयर्स, कस्टमाइज व्हीलचेयर्स, स्पेशल शूज़. इनके जो शूज़ होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 6-7 हज़ार से 1.5 लाख तक जाते हैं. बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे गरीबी की वजह से स्प्लिंट नहीं पहने या गरीबी की वजह से उसका आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो, ये मैं नहीं चाहती हूँ. इसलिए मैंने ये कैंप रखा है. मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल्स देती हूँ. एक बच्चा है सिद्धांत नाम का बच्चा, अभी आएगा वो थोड़ी देर में यहाँ पर डॉक्टर को देखने के लिए. ये बच्चा जब आया था तो माँ बाप गोद में लेके आए थे, क्योंकि इनका कोई बहुत लो इनकम ग्रुप से हैं ये लोग. माँ जो है उसके घर में रोटी बना के बेचती है लोगों को, और फादर जो हैं वो नॉर्मल सर्विस करते हैं. लेकिन बच्चा इतना डिपेंडेंट है, प्लस मेंटली रिटार्डेड है, इसके वजह से वो लोग बाहर जाके काम या ज़्यादा कमा नहीं सकती थी. तो बच्चा आया था गोद में, 12 साल का बच्चा, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली डिसेबल्ड. फिर उसके ऊपर हमने कुछ 3-4 सर्जरीज़ किया, स्पॉन्सर्स लाए उनके लिए, स्पेशल शूज़ के लिए भी स्पॉन्सर्स लाए. दूसरे पेरेंट्स ने, दूसरे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया, और आज वो बच्चा चल सकता है, जिसके वजह से द पेरेंट्स कैन गो आउटसाइड एंड वर्क एंड अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दैट चाइल्ड. और एक बच्चा यहाँ पर संजना, वो 5 साल पहले आई थी यहाँ पर पहली बार हमारे पास. उसके ऊपर हमने 5 साल में कुछ 9 सर्जरीज़ किए, 9 सर्जरीज़, बोन सर्जरीज, मसल सर्जरीज, ग्राफ्टिंग सर्जरीज, एंड फाइनली आज वो इंडिपेंडेंट है. 19 इयर्स में उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है रिलायंस के थ्रू. उसने अपना वेब डिज़ाइनिंग एंड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग किया. आज वो इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन है, अपना बिजनेस संभाल रही है. उसके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं. तो उसको इंडिपेंडेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शी डजंट हैव अ फादर, द मदर इज़ रनिंग द होल शो, ग्रैंड पेरेंट्स है घर पर जिनको संभालना पड़ता है. बट 19 इयर्स में आज वो लड़की इंडिपेंडेंट है. तो ये हमारा एम है इस कैंप के थ्रू, कि इन बच्चों को हम सपोर्ट करें ऐसे.
और जितना हो सके मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें, नॉट ओनली मनी वाइज बट इवन मॉरल सपोर्ट, काउंसलिंग फॉर सच पेरेंट्स. एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन बच्चों के लिए ट्रीटमेंट है. 100% हमारे जैसे नहीं होंगे लेकिन वो अपना लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं. और मैं चाहती हूँ कि पूरा सोशल जितना सोशली ये बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं. आप लोगों ने शायद बाहर बच्चों को ऐसे बच्चों को नहीं देखा जितना आप यहाँ देखते हो. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हिचकिचाते ऐसे बच्चे को बाहर लेके जाने, क्योंकि हम उनको सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो प्लीज़ आप लोगों ने इन बच्चों को सोशली एक्सेप्ट करना चाहिए. इनको सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन मेंटली नॉर्मल होते हैं. इनफैक्ट नॉर्मल बच्चों से भी हाई IQ इनका होता है. तो प्लीज़ इनको एक्सेप्ट करो, इनको हमारे जैसे ट्रीट करो नॉर्मली. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर अल्मेडा यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात येणाऱ्या अशा शिबिरांमधून सेरेब्रल पाल्सीच्या रुग्णांवर उपचार करण्यात येतात. अनेक गरीब रुग्णांवरही मोफत किंवा अत्यल्प दरांमध्ये उपचार करण्यात येतात. अशा सर्व रुग्णांवरील उपचारांसाठी त्यांना आर्थिक मदत करणारे दाते रुग्णांवरील उपचारांचा आर्थिक भार उचलतात. आजाराची तीव्रता लक्षात घेऊन त्यांच्यावर उपचार केले जातात. काही रुग्णांना बोट्युलिनम हे इंजेक्शन देऊन त्यांच्यावर उपचार होतात, तर काहींना शस्त्रक्रिया करावी लागते. डॉक्टर अतुल भास्कर हे बोट्युलिनम या इंजेक्शनच्या वापरामधील तज्ज्ञ आहेत. सर, मी डॉक्टर अतुल भास्कर एंड आई एम डीलिंग विथ सेरेब्रल पॉल्सी व्हिच कॉजेस मोटर डिसेबिलिटी फ्रॉम मसल लॉस ऑफ मसल फंक्शन इन चिल्ड्रन एंड आई एम बीन डीलिंग विथ दिस फॉर लास्ट 15 इयर्स. सेरेब्रल पॉल्सी इज अ कंडीशन वेयर देयर इज डैमेज द ब्रेन एट द टाइम ऑफ बर्थ और पोस्ट बर्थ. सो डैमेज इज फिक्स्ड but the continuing the damage is seen only when the child is growing, and that is why this children come to us at age 1, age 2, until age 15, because as the children are growing, the muscles are growing, and the secondary deformity is only seen when the muscles get tight. So initially a child may not have any deformity, but as he grows, then there is no therapy going on the child, then he will develop muscle contracture and muscle tightness. So we have been trying to address via this clinic. What is called early intervention. Children who are born with born early, premature, children who are high risk, children who have delayed milestones, who start walking late, are the ones who need early intervention so that we can prevent the contractures. Sometimes when we cannot prevent the contractures, then we intervene in the form of giving special injections which are put on the toxin injection, which decreases the muscle tightness, followed by splinting the child by putting special plastic devices. And then a child comes to centers like these for physiotherapy. Physiotherapy probably is the most important aspect of treatment, because as the child is growing, you need to build a muscle strength. These children cannot play like normal children. They cannot go to the compound, they cannot play in the playground because the muscles are tight. So our aim is to try and get them as functional as possible so that they can integrate in the society and be useful tomorrow in the future. Also the important aspect is schooling. Many of the children feel they cannot attend school, or they can participate with their friends. So by early intervention, by early injection therapy and splints, we want to make them lead as normal a life as possible. So that is our aim in life. Children who get older, muscles get further tight, then we advise surgery. Sometimes parents, they concern for surgery, sometimes there are financial constraints, sometimes there are physical constraints, there are also social problems. So we are trying to address whatever we can best. We also have a counselor who guides the parents. I feel many parents, they delay the surgery because they feel the surgery will make the child worse. But my message to them is that if the child is getting tightness and if it is affecting the function, they must go for early surgery, because the best chance of achieving muscle power, muscle strength is by correcting the deformity as soon as possible. So this is the first start, and we have been having clinic for last almost 6 years. And thanks to the media, we can spread this message, create more awareness so that parents from small parts, from small villages, can seek our treatment. I don't think finance is a constraint now, because the government has got a lot of schemes for children with disability. The problem is that parents are not aware at all of these government schemes. And through our clinic, we try and help them also achieve that financial help as well. So that is the whole motto of this clinic. Thank you. इन्को बोट्युलिनम टॉक्झिन झिओमिन हे औषध निर्माण करणारी मर्ज ही कंपनी अशी शिबिरं आयोजित करण्यात खूप मोलाचं सहकार्य करते. ही कंपनी रुग्ण आणि त्यांच्या पालकांसाठी चहा नाश्त्याची व्यवस्था तर करतेच, पण त्याचप्रमाणे लहान मुलांचे मनोरंजन व्हावे यासाठी विविध खेळणी उपलब्ध करून दिली जातात. डॉक्टर राजेश लालचंदानी अशा कामांसाठी मदत करत असतात. शस्त्रक्रिया आणि बोट्युलिनम इंजेक्शनची प्रक्रिया सह्याद्री रुग्णालयात आणि साईश्री रुग्णालयात पार पडतात.
स्पीच थेरपिस्ट श्रीमती आदिती आणि ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विशाल मुरकुटे यांचा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या टीममध्ये समावेश आहे. यंदाच्या शिबिरामध्ये 60 रुग्णांवर उपचार होणार आहेत. पुण्यासह महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी या क्लिनिकचा विस्तार होणार आहे आणि रुग्णांवरील उपचार शिबिरांचे त्या ठिकाणी आयोजनही करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहेत. सेरेब्रल पाल्सी संदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, तसेच या आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णांविषयी सर्व नागरिकांमध्ये प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा आणि आत्मीयता निर्माण व्हावी या भावनेतून अशा पद्धतीची शिबिरं आयोजित करण्यात येतात. हॅलो फ्रेंड्स, आय एम डॉक्टर राजेश लालचंदानी अँड आय एम फ्रॉम मर्स फार्मास्युटिकल्स अँड मर्स इंडिया हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड अँड वी आर हिअर विथ डॉक्टर क्रिसी अल्मेडा फॉर पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी अवेअरनेस कॅम्प इन पुणे. Now the mission is, we are treating mainly upper limb spasticity, what we do here. And the mission is to help her for reaching greater heights, to at least give a good quality of life to the patients. What they, we, at least even if we can't give, agar hum usko ye nahi de sakte, jo jitna wo sapne mein umeed karta hai, kam se kam hum uska aadha sapna zarur pura kar sakte hain, pura na sakte. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल आदमी अगर गाड़ी चला सकता है तो कम से कम मैं इतना कर सकता हूँ यहाँ पे कृषि को मदद करके इनके पेशेंट्स को. जो यहाँ पे हमारा इनको बॉटल टॉक्सिन ज्यूमिन लगेगा एडल्ट स्पास्टिसिटी में, कम से कम वो खुद से शर्ट पहन सके, खुद से वो कंघी कर सके, खुद से नहा सके, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं. बट जिसको लग हुआ है उसके लिए सपना है. इसकी फीलिंग आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको स्ट्रगल करते हुए नहीं देखोगे कि एक आदमी इसको पकड़ के चल रहा है, दूसरा आदमी इसको नहला रहा है, तीसरा आदमी इसको टॉयलेट में ले जा रहा है. ये इस तरह की हम उसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर सकते. इंडिपेंडेंस हम उसको उसका हक है इसलिए. तो हम यहाँ कृषि की यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो ये कैंप हर 3-4 महीने होती है, हर महीने कर सकते हैं. जितने पेशेंट आए, जितना भी हम पैसा कम कर सके, हम वो करके उन लोगों को एटलीस्ट नॉर्मल में से मैं बोलूँ कि 75% नॉर्मल अगर हम करते हैं तो 20-25% फिजियोथेरेपिस्ट कृषि को मैनेज कर लेगी. आज ये जो इनिशिएटिव उसने लिया, मैं चाहता हूँ लोग इनको आके मदद करें, क्योंकि पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. इंसान जो होता है, अगर पैसा ना हो तो भी जीने का तो उसको हक है. बट पेशेंट के पास जब 1600 रुपये भी नहीं है तो मैं किस हक से उससे 1600 डॉक्टर फ्री में ट्रीटमेंट कराए, कृषि अपना सेंटर फ्री में दे रही है, आदमी करेगा तो कितना करेगा, सर्विस फ्री में देगा. क्या असर ये है कि 100 में से 80 लोगों को पहली बार में फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को दूसरी बार में होता है. अगर डायग्नोसिस बराबर और गलत डायग्नोसिस नहीं है तो सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है. बट इसका प्रॉब्लम है कि हर ये इंजेक्शन हर 4 महीने में आपको लगानी पड़ेगी, जब तक 3 बार 4 जब तक पूरा हाथ. और इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है. हम इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं कि मांसपेशी लूज हो जाए, फिजियोथेरेपी उसको कसरत कराने में आसानी हो. और ना कि अगर ये नहीं लगाएंगे इंजेक्शन और अगर कल वो सर्जरी करना पड़े तो उसके लाखों रुपये कौन देगा. अगर 1600 रुपये में अगर उस एडल्ट आदमी को, उस इंसान को लग गए कि आदमी को अगर कम से कम इतना है कि चलो मैं ये बोलता हूँ कि 3 बार भी लग गया साल में और अगले साल से वो काम पर चला गया तो क्या बुरा हुआ उसमें. उस आदमी के पीछे आपने 3 बार लगाया उसको और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई. क्या कोई इंसान सामने आके इनकी मदद नहीं करना चाहेगा. गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉरपोरेट लोग क्या कर रहे हैं. अरे तुम मर्सिडीज़ में, तुम हेलीकॉप्टर में घूमो यार, तुम्हारा 10 लीटर तेल उसको दे दो. मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मेरा यही बोलना है. मैं अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, कंपनी की तरफ से भी नहीं बोलता, मैं इंसान की हैसियत से आप लोगों को बोल रहा हूँ. जिस तरीके से लोग अपना सैटरडे संडे, जो भी डॉक्टर्स आए अपने बीवी बच्चों को सब कुछ छोड़ के मुंबई से सैटरडे संडे यहाँ पे आए, इसलिए आए आप लोगों को बताने के लिए कि प्लीज़ इनकी मदद करो और लोगों को जगाओ कि इस ट्रीटमेंट में हमारी मदद करें. जितना अरे कोई 1 रुपया दे रहे या 1 लाख दे रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीयत की बात है. कोई 1 रुपया भी देके जाएगा तो मुझे मंजूर है, मगर आके देखे और मदद करे. और पैसे की मदद नहीं तो हेल्पर करके मदद करें. यहाँ पे पैसा और भी चीज़ें हैं, वो जाके स्कूल में जाके, किधर भी जाके, बड़े बड़े रिहैब सेंटर में जाके बोल सकता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती है. अशी माहिती डॉक्टर क्रिसी अल्मेडा यांनी दिली. अशा रुग्णांच्या मदतीसाठी समाजातून हात पुढे यावेत यासाठीही अनेक शिबिरं उपयुक्त ठरतात असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.